गाइस, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली एक नया हेलमेट लिया है। एंड इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन था बिकॉज आफ्टर मेरे पास पहले वेगा का मॉड्यूलर हेलमेट है और अभी सब लोग ने बहुत बोला कि नया हेलमेट लेना है क्योंकि प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है और वेगा का इतना स्टार रेटिंग नहीं था, तो मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा हेलमेट लेना है। बहुत कन्फ्यूजन था, बहुत लोग कॉल किया एंड बहुत रेफरेंसेस लगाए, तो सब लोग का अलग अलग था। कोई बोलता था कि SMK लो, कोई बोलता था MT लो, कोई बोलता था सोल लो। एंड बेसिकली अपना हार्ड मनी की तरह स्पेंड करने के लिए आई वॉन्ट टू मेक इट अ वर्थ वाइल्ड हेलमेट, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं रोज़ नया नया हेलमेट खरीदने जाऊँगा। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस वॉज गोइंग टू बी माई द ओनली हेलमेट आई वॉन्ट टू यूज़। तो फाइनली मैं एक शॉप पे गया नियर बाय, मैं मुंबई में रहता हूँ एंड इसका आपको मैं पूरा एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दे दूँगा बाद में। तो उधर गया एंड मैंने MT का थंडर 3 हेलमेट लिया है जो ये पैक में आता है। एंड द रीज़न ये हेलमेट मैंने लिया है क्योंकि MT का बहुत अच्छा रिव्यूज़ मेरे को मिला था, प्लस ये हेलमेट 4-स्टार रेटिंग है। तो आप 4-स्टार स्टैंडर्ड रेटिंग क्या होता है आप नेट जाके चेक कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि उसका मतलब क्या क्या होता है। एंड लेट्स इसको अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने नहीं बनाया, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अनबॉक्सिंग वीडियो तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। ऑलरेडी मैंने 3-4 दिन पहले ये हेलमेट लिया था एंड मैं बिजी था सो मैं कुछ वीडियो बना नहीं पाया एंड आई हैड टू गो फॉर अ राइड, तो मैं हेलमेट यूज़ किया। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, बट या आई कैन गिव यू अ रिव्यू ऑफ दिस MT थंडर 3 हेलमेट। सो आपके सामने वापस ओपन करता हूँ कि कैसे पैक में आया था। तो ये बेसिक पैकिंग है MT हेलमेट का एंड इसको हम ओपन करेंगे। बॉक्स के अंदर ये ऐसे केस में आता है, ये बेसिकली केस इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि कोई स्क्रैचेज ना आए हेलमेट पेंट जॉब पे, क्योंकि इतना महंगा हेलमेट है। एंड देखते कौन सा है, आपको कैसा लगेगा ये हेलमेट मुझे आप बताइए। और साथ में ये वारंटी कार्ड आया है, ये वारंटी कार्ड के अंदर क्या क्या एफिलिएशन दिया हुआ है इसको, डॉट सर्टिफाइड है या EC सर्टिफाइड है, MT सर्टिफाइड है, कौन सी कोलंबिया का सर्टिफिकेशन है, सब इसे मेंशन किया है। प्लस इसके अंदर एक MT का स्टिकर भी है। एंड फाइनली द बिग रिवील, सो आई होप आपको ये कलर पसंद आया हो। ये आइल ऑफ मैन का एडिशन है एंड मेरी बाइक बेसिकली रेड थी, तो मुझे रेड कॉम्बिनेशन में चाहिए था एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ आइल ऑफ रेसिंग, तो दिस वॉज द बेस्ट हेलमेट आई कुड फिगर आउट देयर। अब अगर आप इस हेलमेट में पूछेंगे कि ये हेलमेट और पहले वाले हेलमेट में क्या क्या डिफरेंसेस है जो हम नॉर्मल हेलमेट यूज़ करते हैं, लाइक इतना एक्सपेंसिव हेलमेट क्यों लेना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुशनिंग, ओके, इसकी कुशनिंग बहुत बढ़िया है। एंड इसमें एक चीज़ जो नई हमने देखी है वो ये डीरिंग। तो मेरे को आपको डीरिंग का कंसेप्ट बताना है कि नॉर्मल जो हेलमेट होते हैं वेगा, स्टड्स, SMK, इनमें डायरेक्ट लॉकिंग सिस्टम आता है। ये लॉकिंग सिस्टम कोई भी एक्सीडेंटल चीज़ के टाइम खुल सकता है, बट ये जो डी रिंग लॉक रिंग हेलमेट है ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक इसको प्रोफेशनल को जाकर खोलना सके, तो इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूंगा कैसे आपको लगाना है। एंड प्लस इसमें एक और अच्छा फीचर है, तो अब मेरे क्या था, जैसे वो चश्मा है तो मुझे बार बार अगर दिन के टाइम बाइक चलाना पड़ता था मुझे ग्लेयर्स पहनने पड़ते थे क्योंकि मेरे पहले वाले हेलमेट में वाइजर नहीं था, मतलब डार्क वाइजर था, वो मैंने बिठाया था, कंपनी स्टॉक नहीं आता क्योंकि दिन में मेरे को फिर डार्क वाइजर लगाना पड़ता था, नहीं तो फिर ग्लेयर्स पहनने पड़ते थे। तो उसमें क्या हो गया था कि रात के टाइम पे मुझे अपना वाइजर ऊपर चलाना पड़ता था, उसमें बहुत डस्ट आता था एंड इट वाज नॉट एडवाइजेबल। तो मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि भाई हेलमेट में एक इनबिल्ट डे नाइट वाइजर होना चाहिए। सो इसका जो वाइजर है इसमें आप देखेंगे तो इधर से एक वाइजर आता है। अब ये वाइजर बहुत अच्छा है कि आप दिन में अगर ड्राइव कर रहे हो, सनलाइट है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, और रात को जब अंधेरा हो जाएगा तो आप इसको वापस ऊपर कर सकते हैं, अपने नॉर्मल वाइजर पे चला सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स मेरे को लगता है एक हेलमेट में होना जरूरी है। ओके, तो आप देखेंगे कि मैंने अपना यहाँ पर एक हेलमेट मॉन ऑलरेडी कर चुका हूँ जो GoPro के लिए था, मेरे पास एक्चुअली SJ है एंड मेरे को वो टाइम नहीं मिला तो मैंने कर दिया जब भी मेरे को टाइम मिला था। तो मैं इसका भी आपको एक डिटेल बता सकता हूँ कि कैसे इसको फिट किया, क्योंकि आप देखेंगे तो ये जो गैप है ना बहुत बड़ा है और मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अपना कैमरा माउंट करके अपने आई लेवल तक ले पाऊँ, दिखे मुझे क्या रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये डॉट सर्टिफाइड है, EC सर्टिफाइड है, एक्चुअली इनके इसे दिया हुआ है तो अभी कहीं बता सकता हूँ आपको। तो जो EC का है वो यूरोप स्टैंडर्ड्स है एंड डॉट US स्टैंडर्ड्स है,
वही ब्राजील में NBR हो जाता है और कोलंबिया में NTC होता है। तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे हमारे इंदर इंडिया में जो हेलमेट्स है वो ISI स्टैंडर्ड है, और गवर्नमेंट ने बीच में कहता है कि इसका कंप्लीट ISI होने चाहिए हेलमेट्स, तो वैसे ही ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हेलमेट है। बाकी अगर मैं इसमें दिखाऊँ आपके फीचर्स, तो यहाँ पर एक एयर फ्लो है फ्रंट माउथ के लिए जो आप बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं, दूसरा अपर है एंड वन इज एट द बैक, सो यू गेट अ कम्प्लीट नाइस एयर फ्लो अंदर, गर्मी ज़्यादा लगती नहीं है। एंड अगर मैं आपको ये पहन के बताऊं तो आपको पता चल, ये जो कुशनिंग है ये आपके जॉ बोन को सपोर्ट करता है, और कोई भी हेलमेट को चेक करने का कि आपके हेलमेट साइज का मतलब हेड साइज का है कि नहीं, तो उसे कैसे चेक करेंगे आप पहनने के बाद? तो जब आप ऐसे हिलते हो तो ये हेलमेट है ये स्टेबल रहना चाहिए, ये अगर ऐसे ऐसे हिल रहा है अंदर ही तो ये आपके साइज का नहीं है। तो देखो अभी आप, मैं अगर ऐसे हिल रहा हूँ तो हेलमेट स्टेबल है, इट इज नॉट शेकिंग, तो ये मेरे हेड साइज का हेलमेट है। तो ये हो गया इसका ये बन, और ये हो गया इसका वाइजर। ये चश्मे की दिक्कत बहुत गंदी चीज है। एंड आई होप आपको ये हेलमेट अच्छा लगा, ये रिव्यू अच्छा लगा। एंड मैंने जब रोड पे भी टेस्ट किया मुझे इसमें ज़रा भी गर्मी नहीं लगी हाईवे पे। हाँ ट्रैफिक में मुंबई में इरिटेट होता है क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं है, बट कन्वीनियंस इज नॉट अबाउ सेफ्टी। ओके सर सलामत तो पगड़ी हज़ार, तो बेसिकली कीप योर हेड सेफ। अब मैंने इन्वेस्ट किया है एक्सपेंसिव गेयर में, ये मुझे आया है 6250 प्राइस पे, जो आप एक्चुअली वेबसाइट से भी जाके लेंगे तो भी वही प्राइस पड़ता है। बेसिकली मैं शॉप पे गया क्योंकि मुझे पहन के चेक करना था और दूसरे ब्रांड भी चेक करने थे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो डी रिंग है इसका क्या यूज़ है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। पहली बात मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे पहना जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि डी रिंग बहुत ही मुश्किल है पहनना, निकलना और इनकन्वीनियंट है। ट्रस्ट मी गाइस, ये इनकन्वीनियंट नहीं है। तो ये स्ट्रैप है जो एक बेसिक हर हेलमेट डी रिंग में आएगा। तो यहाँ पर दो रिंग्स हैं, एक रिंग छोटा है एक रिंग बड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको इस दोनों रिंग से निकालेंगे। निकालने के बाद जब ये इधर आ गया उसके बाद ये जो रेड वाला रिंग है जो थोड़ा बड़ा वाला है उसके अंदर से हम इसको वापस रिटर्न लेंगे, एंड जितना आपको टाइट चाहिए उतना खींचेंगे। एक बार आपके चिन लेवल पर टाइट हो गया है देन देर इज दिस बटन ओवर हियर, हमको इसको जाके क्लिप करना है। अब आप देखेंगे ये हेलमेट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है निकालना, और कुछ डिफिकल्ट नहीं है पहनना। और वैसे ही जैसे आपको इसको निकालना हो तो इसको यहाँ से अनपिन कीजिए, ये जो रेड चीज़ है इसको ऐसे खींचिए एंड ये आपका अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको ये पहनना और निकालना बहुत मुश्किल लग रहा है कि यार बार बार इसको डालना पड़ता है, तो आप इसको आगे खींच के ऐसे एंड देन यू कैन वेयर द हेलमेट डायरेक्टली। तो ये वन ऑफ द इजी थिंग जो मैं करता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा बांधना निकालना इरिटेट होता है। नहीं तो आप अगर इसमें फ्लुएंट हो गए हैं तो इट इज़ निकालना बहुत ही आसान है इसको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ press the like button and also subscribe for the videos. Take care. Ciao.